बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की चर्चा प्रारंभ होत है। सुनो साथ चित दे भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन माराए सखी जीवन माराए। श्री महामती कहे ए मोमिनो भया चर्चा काब ख अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। महामती कहे ए मोमिनो ए कही रामनगर की तुम और आगे अजू बहुत है कहो हक के हो कामा कहो हक के हो कामा। ये बात हरि सिंह सुनी धामधनी अक्षरातीत हमारी प्राण के प्रीतम ये वित्तुक साहेब के घटनाक्रम का वर्णन करवा रहे हैं। कल के घटनाक्रमों को जोड़ते हुए कल हमने सबसे प्रथम आकुट का शुक्राना शुक्राना का भाव धन्यवाद आभार थैंक्स धामधनी ने इस संसार में हमारे पर एक जाहिरी प्रत्यक्ष दिखने वाली और एक बातूनी दोनों प्रकार की मेहर की। और बातूनी मेहर में हमने कल के प्रसंग में सुना कि हमारे पर बातूनी मेहर क्या हुई। नजर से नकाड़ी मुझे अबल से आज दिन जब से हम ब्रज में आए तब से लेकर आज दिन आज अब घड़ी तक और जो पहचान सुख में तो सुख दायम पर स्वाद न आवत ऊपर दुख आवे सुख आवत सो मेहर खोलत नजर। वहां रूहे बेन्याज थी बीच बक्का 12,000 जाने ना आप अपनी साहेबिया अपार। परम धाम में हम सब रूहे धाम धनी के इश्क में गलित थी एक रस थी डूबी हुई थी। वहां पहचान ही नहीं थी कि धाम धनी की साहेबी और साहेबी का इश्क और इश्क की साहेबी। तो धाम धनी ने क्या दिल में विचार लिया कि हे रूहे तुम सब मेरे तन हो तुम सब दिल मेरा इश्क। इतना नहीं ये भी कहा जब हमारा इश्क रबद बहुत अनादिकाल से चल रहा था मीठा रबद प्रेम का विवाद
तब रोज ही ऐसे इस करवत चलता रहता था और धाम धनी का बस यही कहना था कि हे सखिया, तुम्हारा सबका रूप या परम धाम के 25 पक्ष का एक कोण से लेकर एक बालू के कोण से लेकर 8 सागर 8 जिमी तक की जो भी नियामतें जो भी शोभा बनी है परम धाम 25 पक्ष की, ये सब रूपों में मेरा ही तो स्वरूप लीला कर रहा है। क्या तुमको यही पहचान है? तो धाम धनी ने क्या दिल में लिया? तब हक के दिल में उपजिया, तब हक के दिल में उपजिया, मैं देखाऊ अपना ईशक और देखाऊ साहेबी, रूहे जानत नहीं मुतलक। ये पहचान परम धाम में संभव ही नहीं थी, क्योंकि वहां तो सबका इश्क समान था, बराबरी का था, लेकिन सबके मूल में श्री राज जी का दिल था, यही नूर क्रीड़ा कर रहा था। ये वहां मालूम नहीं था हम सब रूहों को, वहां ये पहचान नहीं थी। ये अष्ट पहर की दिन 64 घड़ी जो प्रेम और आनंद की लीला चलती थी, ये लीला की अनुभूति, ये हकीकत की अनुभूति, और इतना नहीं, राज्य के दिल का जो मार्फती गुह्य रहस्य, ये वहां पूर्ण पहचान नहीं हो पाई। ये पहचान धाम धनी ने यहाँ आके हम सब रूहों के दिल में ये अष्टपहर की लीला के सहित, हकीकत की लीला के सहित, मार्फत की पूर्ण पहचान यहाँ आके धाम धनी ने हम सब दिलों के अंदर अखंड कर दी, दी नहीं अखंड कर दी। तो ये बातुनी मेहर कल हमने देखी कि युगों युगों से जो ऋषि मुनि उपाय किए अनेकों पर काहू ना लखानी, ये निज बुद्ध बिना जाए ना पहचानी। ना तो कहीं आए बुद्ध के सागर, ना तो कहीं आए बुद्ध के सागर, गुण खट ज्ञानी भगवान जी महादेव जी को पूछे बेहदवानी। ऐसा मत मानो कि युगों युगों से हमारे अंदर जो जीव बैठा है ना, मैंने कल के प्रसंग में भी बताया था कि हमारे जीव की कोई कसनी नहीं है, कोई तप नहीं, कोई जप नहीं, कोई जोग आरंभ नहीं, कोई कष्ट नहीं। ये चाल बताई व्रज रास में प्रेम जो ब्रह्म सुष्ट, ये धाम धनी ने ब्रज में जो हमको अनंत प्रेम से भिगोया। सुंदर साथ जी, हमारा सौभाग्य कि ये धाम धनी ब्रज में और रास में और ये जागनी ब्रह्मांड में जो ये प्रेम और आनंद की लीला से जो हमको एक एक पल भिगो रहे हैं। यहाँ क्या बताया कि युगो युगो से कई मनीषी जन, ज्ञानी जन, संत तपस्वी ऋषि मुनि ने साधना की, वो नहीं जान पाए, ये हमने सहजे पा लिया। कोई तप नहीं, कोई साधना नहीं, कोई ध्यान कुछ नहीं, बस राज्य की वाणी की मूल्य भी क्या है? इन ऋषि मुनियों को पूछो कि क्या मूल्य है ब्रह्म ज्ञान का, ये हमको नहीं पता चला। बस हम तो सिर्फ 1100 या 800 रुपया देकर बस ये स्वरूप साहेब ये तारतम वाणी खरीद के घर पे लाए, पता नहीं कितनी देर इस रस में डूबते होगे, कितनी देर दर्द लेते होगे, कितनी देर पीड़ा लेते होगे, और ये वाणी के कारण पंच अग्नि में तपे, ये वाणी के कारण कहीं देह दमे, ये वाणी के कारण कोई भैरव जाप खाए, ये वाणी के कारण कोई तिल तिल देह काटे,
पूछो इन आज जैन लोगों को, क्या कष्ट दे रहे हैं अपने को, शरीर को, इंद्रियों को, इसको पता नहीं है उन लोगों को, तो भी ये वाणी उन लोगों को थोड़ी मिली है, हमको तो सहज। भव सागर के कीने पाई न किनार, भव सागर के कीने पाई न किनार, सो तुम सहजे उतारे पार, सो तुम सहजे उतारे पार, श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए, मेरे पियो जी फेरा सुफल हो जाए, श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। धामधनी ने क्या बताया, ये बातुनी मेहर व्रज से लेकर सातवें दिन तक क्या हमारे पर बरस रही है, और जाहिरी मेहर भी धामधनी ने व्रज में अगासुर, वकासुर, तृणावत, सप्तासुर, पुतना और इंद्र कोप तक ये संकटों को धामधनी ने टाला और हमारे पर एक जाहिरी मेहर बरसाई। तो ये दोनों मेहर कल के प्रसंग में हमने देखा, उसके बाद श्री जी के दिल में फिर विचार आया कि अब हम एक बार और हमारा कर्तव्य और हमारा फर्ज हम पूरा करें, कि इमाम मेहंदी जाहिर हो चुके हैं, क्यामत के साथ निशान जाहिर हो चुके हैं, हे बादशाह तू एक बार ये संदेश को स्वीकार कर ले, तो फिर लालदास जी के साथ हमारे सुंदर साथ फिर खुल्लाबाद में, औरंगाबाद के जिले खुल्लाबाद में फिर एक बार संदेश देने के लिए ये शरीयत के काजी शेख इस्लाम के पास गए। लेकिन हमने कल के प्रसंग में सुना कि शेख इस्लाम काजी ये संदेश को नहीं स्वीकार किया और आगे प्रसंग में हमने कल आकोट के अंदर बुढ़ानपुर की भी बीतक देखी कि वहां फतुअल्लाह और उसके और मुसलमान पठान लोगों को पत्र भेजा और पत्र के माध्यम से ये सूचित किया कि तुम परमधाम से जो कुरान के माध्यम से साक्षियां लिखी हुई है, एक नाजी और 72 नारी, एक नाजी और 71 नारी, एक नाजी और 70 नारी, इसमें से तू कौन से समुदाय का है, हे फतुअल्लाह तू बता दे। लेकिन संसार के ये जीव कैसे बता पाएंगे, ये कल के प्रसंग में हमने सुना। और अंतिम सुंदर साथ जी बुढ़ानपुर आटकोट के बीतक पूर्ण हुई और आगे आज वहाँ कल रामनगर के अंदर तो हम पहुँच चुके और आज रामनगर में क्या क्या बीतक घटित होगी, ये धामधनी आज आगे ये प्रसंग के माध्यम से सुना रहे कि ये बात हरि सिंह ने सुनी, सुनी करने आया दीदार, सुजान सिंह शाह की सोबत किया सूरत सिंह खबरदार। केत की नदी के किनार पर, तट पर सुजान सी के माध्यम से श्री जी और सुंदर साथ केत की नदी के किनार पर उतरे हैं, वहां ठहरे हैं, ये बात पहले किसको मालूम हुई, सुजान सिंह को। और सुजान सिंह ने किसको बताया,
हरि सिंह जी को। और हरि सिंह जी जब दर्शन करने के लिए आए और दर्शन करने के बाद फिर उसने सूरत सिंह जी को ये बात बताई, सावचेत किया, सावधान किया कि हे सूरत सिंह जी, केत की नदी के तट पर अक्षरातीत पर ब्रह्म आए हैं, क्योंकि सूरत सिंह जी आगे हम सुनेंगे पूर्ण पहचान कर लेते हैं, इसलिए वो हरि सिंह जी को भी सावचेत करते हैं। कौन? सुजान सिंह। और सुजान सिंह हरि सिंह जी को सावचेत करते और हरि सिंह जी सूरत सिंह जी को सावचेत करते हैं। जब हरि सिंह जी ने आकर श्री प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया और श्री प्राणनाथ जी की चर्चा सुनी, सुन के वो इतने प्रभावित हो गए कि घर जाके, सुंदरसा जी किसकी बात है, मैं रोज बोलती हूँ, ये कोई हरि सिंह जी की बात नहीं है, प्राणनाथ जी की बात सुन के घर जाकर अपने अंदर क्या सेवा का भाव पैदा हुआ। तुम प्रेम सेवा से पाओगे पार, मुक्ति सेवा तूने सु कहू, तू अंतर आडो टाल, अनेक विध सेवा तनी, तूने उपज से तत्काल। तो यहां जो जो सुंदर सात आत्माएं जुड़ती जाती है और धाम धनी उस सेवा का भाव बताते जाते हैं, और कोई कोई आत्मा जागनी के कार्य में कैसे आगे बढ़ती है, कैसे संदेश देती है और धाम धनी के आदेश को कैसे सिरोधार्य करती है, ये सब प्रसंग हमको कैसे प्रबोधित कर रहे हैं, कैसे आदेश दे रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, आज छठे दिन में, आज छठे दिन में हम सबका कर्तव्य, हम सबका ये फर्ज बनता है। हरि सिंह जी ने जब ये चर्चा सुनी बहुत प्रभावित हुए, आनंदित हुए, उसने अपने सेवकों को श्री जी और सुंदर सात के पास भेजा और ये सूचना भेजवाई कि तुम जाओ श्री जी और सुंदर सात को आमंत्रित करो कि हमारे घर पे भोजन प्रसाद लेने के लिए आए। और इतना नहीं, अपने सेवकों के माध्यम से ये भी संदेश भेजवाया कि तुम बोलो उसको कि मैं श्री जी और सुंदर साथ की सेवा करना चाहता हूँ, मेरे दिल में सेवा करने की बहुत भावना है। सुंदर साथ जी, इस प्रसंग से हम क्या सीख लेंगे कि हम भी जब हमारे घर में भी कोई बार ये घटना घटित होती या कोई जगह सेवा का जब ये परिस्थिति, ये स्थिति उपस्थित होती तो हम हमारे दिल में क्या विचार करेंगे, क्या भाव लेंगे। मैंने थोड़े दिन पहले भी बोला था कि बीतक के टाइम पे ही सुंदर साथ की सिर्फ खाने की, भोजन प्रसाद की सेवा रहती है, बाद में 11 महीना फिर चलो ठीक है, जो सुंदर साथ को राज्य की पहचान हो चुकी है, एक मिशन के प्रति अपना भाव रखते हैं, तो बीच बीच में भी कोई प्रसंग उत्पात या शादी या जो भी घर में कोई बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी या जो भी प्रसंग के को माध्यम बनाकर ये रसोई या कुछ सेवा भेजते होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ, कहने का भाव कि सेवा तो कभी भी कर सकते हो, सिर्फ ऐसा नहीं कि बीतक के टाइम में ही हमारी ओर से भोजन प्रसाद की सेवा रहे। देखो हमने उज्जैन में भी सुना, 22 दिन तक हर घर पे, हर सुंदर साथ के घर पे भोजन प्रसाद, प्रीति भोज, ऐसे उत्सव मनाते रहे 22 दिन, और कोई कार्यक्रम ही नहीं रहा। हम तो एक दिन देते बहुत से बहुत, बहुत तो दो दिन, ठीक है एक साल ले लो, एक साल में शायद हम अपने को पूछ ले, मैं आपका न्याय नहीं करूंगी, अपने को पूछ ले एक साल में आज इतने सुंदर साथ बैठे हैं और कल वीडियो के माध्यम से और भी लोग सुनेंगे सुंदर साथ, ठीक है और भी सुंदर साथ सुनेंगे। मैं आज सबको एक बात रख रही हूँ कि सुंदर साथ जी हमारे अंदर नित्य प्रति हर पल
सेवा का भाव बना रहना चाहिए। आज हम पन्ना में प्रवेश करेंगे, पन्ना के अंदर छत्रसाल की कुर्बानी को आज आप सुनेंगे। अपने कहने के लिए अपना कुछ नहीं रखा और हम तो संसार परिवार या पूरी धन संपत्ति को हमारा उसी पर हमारा पूरा अधिकार है, कब्जा है। उसी के बाद हमारे दिल में कई बार एक साल में या एक साल में दो बार या तीन बार बस कोई बार भाव प्रकट हो जाता, एक दो बार सेवा कर लेते, उसी में हम संतुष्टि मान लेते कि हमने तो बहुत कुछ सेवा कर दी। सुंदरसा जी, सेवा एक प्रकार की नहीं है, सेवा तन से भी होती है, मन से भी होती है और धन से भी होती है। इतना भी नहीं, सिर्फ मतलब रसोई के बहाने देनी, इतना भी नहीं। आज मैं और एक बात रखूंगी कि साहित्य प्रचार प्रसार में भी, जागरणी के प्रचार प्रसार में भी आप उसी में भी सेवा लगाओ। ऐसे तो जागरणी को लेकर बहुत से कार्य चल रहे हैं ये मिशन ज्ञानपीठ से, तो जो भी आपकी जिस फील्ड में जिस क्षेत्र में आपकी इच्छा हो सेवा करने की तो आप लगाइए। ये जो प्रसंग है ये सिर्फ मैं कोई वार्ता या कोई स्टोरी के कोई मैं कथा नहीं कह रही हुई, ये हमारी भी तक है, ये हमारी चर्चा है, ये कोई ऐतिहासिक घटनाक्रम थोड़ी है कि मैं आपको रोज कल में गोवर्धन भाई का सुनाऊँ, एक दिन में लालदास जी का सुनाऊँ, आज हरित सिंह जी का है और कल में छत्रसाल जी का सुनाऊंगी, तो ये कोई ये सबकी थोड़ी है, ये हमारी भी तक है। यहाँ सबको आमंत्रित किया कि मेरी सेवा करने की बहुत चाहत है, इच्छा है। और जब श्री जी के पास ये सेवक लोग आए तो श्री जी को भी अंदर भाव जगा, क्या कि अरे ये हरि सिंह जी के अंदर पूरा भक्ति भाव है, उसके भक्ति भाव सेवा को देखकर श्री जी ने भी सेवकों के साथ ऐसे स्नेह पूर्वक भाव पूर्वक कैसे बातचीत की, कैसे चर्चा की। और हरि सिंह जी बस इंतजार करने लगे कि कब श्री जी और सुंदर साथ मेरे घर पे आए और मैं उसकी आगता स्वागत के लिए वेलकम के लिए मैं तैयारी करवाऊं। और हरि सिंह जी ने अपने घर में पूर्ण रूप से तैयारी करने में वो लग गए और श्री जी ने भी बोला कि जाओ तुम अपने घर में खाने पीने की भोजन व्यवस्था की तैयारी करवाओ, मैं पीछे से ही सुंदर साथ सहित मैं सबके साथ सबको साथ में लेकर मैं आ रहा हूं। और श्री जी दूसरे दिन सुंदर साथ को लेकर हरि सिंह जी के घर पहुंचे। हरि सिंह जी ने सुंदर साथ के लिए इतनी अच्छी बैठक की सुंदर तैयारी की और श्री जी के लिए एक ऊंचे आसन बिछाया, ऊंचा एक आसन बिछाया और वहां पर श्री जी को बिठा दिया और सुंदर साथ को दो पंक्ति में खड़ा करके, तीन चार पंक्ति में खड़ा करके श्री जी को ऊंचे आसन पर विराजमान करके कैसे पूरी प्रीति पूर्वक भाव पूर्वक अपना वस्त्र आदि भी बदल लिया, धोती पहनकर, क्योंकि उसको पता लग गया कि मेरे घर कोई संसारिक कोई लोग नहीं आए हैं, ये संसार के कोई पुरुष या महिला, ये सगे रिश्तेदार सगे संबंधी नहीं आए, मेरे घर कौन आए हैं ये कल छत्रसाल जी बताएंगे, मेरे घर कौन आए हैं पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से निहारे उसी के माध्यम से कल छत्रसाल जी बताएंगे। तो यहाँ हरि सिंह जी ने भी सोचा विचारा कि मेरे घर ये तो महात्मा वैरागी लोग फकीरी लोग आए हैं तो धर्म के नाते मेरी कैसी उच्च सेवा होनी चाहिए। देखो यहाँ भी उसने एक योग्यता के अनुसार सेवा में लग गए और कपड़ा बदल कर धोती पहन ली और परोसने की सेवा में वो भी लग गए, सब सुंदर साथ बैठ गए। हरि सिंह जी के सेवकों ने पत्तल पीर से सब सुंदर साथ को और हरि सिंह जी श्री जी को भोजन कराने के लिए जब बैठे ने
वहां वाये हवा ढोलने लगे और सब सेवकों ने इतना प्रेम भाव से, सुंदर साची हम रसोई घर में कई बार प्रसाद बनाना होता ने, इसी में भी हमारा भाव कई बार टूट जाता, मन के अंदर का ईमान टूट जाता। देखो यहाँ राज जी क्या बता रहे हैं, उसने इस तरह की पहचान नहीं की जो हमने की है। ठीक है, तो कोई भी राज जी की सेवा होने उसमें पूरे मन लगाकर करनी चाहिए, बाकी ना कह देना, बाकी मना कर देना। ठीक है, यहां पूरी मन लगाकर सेवा की धामधनी ने बात बताई और सेवक अनेक प्रकार की मेवा मिठाई वानगी व्यंजन अथाने बहुत कुछ चीजें बनाए, भोग प्रसाद बनाए और सब परोसने में लग गए और हरि सिंह जी श्री जी की सेवा में लग गए और कितना भाव से सबको आरोगाया, अनेक प्रकार के व्यंजन अथाने मेवा मिठाई वानगी और उसी के बाद बीड़ा पान के बीड़ा भी सब सुंदर साथ और श्री जी के आगे रखा। और आगे हरि सिंह जी के अंदर क्या विचार आया कि हे श्री जी चलो मैं आपको ऊपर एक एकांत अटारी में एक एकांत स्थान पर लेके चलो, मेरे अंदर एक चाहना एक इच्छा है वो पूर्ण हो जाए और आप ऐसा करो मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, मैं आपका दास हूं। क्या कृपा कर दीजिए कि मेरा मेरे ऊपर एक संकट आया है, इस संकट से मेरा निवारण कर दीजिए। तब श्री जी ने अपना आदेश कर दिया कि हाँ चलो हरि सिंह जी मैं आदेश करता हूं अपने हुक्म से ये तेरा काम बन जाएगा। सुंदर सा जी इस प्रसंग से भी देखो पहले सेवा का भाव आया, यही तो हमारी यात्रा चल रही है, पहले सेवा का भाव आया और फिर सामने श्री जी आए हैं और उसके पास क्या चीज मांगी, ये संसार की लौकिक यहां की तुच्छ चीज मांगी। मान लो इस देश का कोई बड़ा सुप्रीम पीएम यहां कोई किसी को मिले और वहां से एक संसार की तुच्छ एक घर की चीज मांगे तो उसी के पास तो कितनी बड़ी चीज मांगनी चाहिए और उसी के पास एक छोटी सी चीज मांग ले, क्या पहचाना उसने। यहां भी हरि सिंह जी के सामने साक्षात अक्षरातीत पर ब्रह्म आए हैं और उसने क्या मांगा कि मेरे पर एक संकट आया है संसार के अंदर, ये आप टाल दो बस समाप्त कर दो। सुंदर साथ जी उसने अपनी आत्मा का कोई सुख नहीं मांगा, आत्मिक सुख नहीं मांगा कि मेरी आत्मा आपके चरणों में रहे, बस आपके चरणों का सुख निरंतर बस ये लेती रहे, मेरे अंदर धनी आप युगल स्वरूप का स्वरूप पूरा मेरे धाम दिल में अखंड हो जाए, ऐसा कोई अवलौकिक धन नहीं मांगा। किस तरह हमने देखा था सिद्धपुर में भगवान दास ने क्या मांगा था, एक मोहर दी तो फिर और मोहर की लालच में कहां तक गए, पालनपुर तक गए। देखो कोई बार सामने राज्य आए हम भी राज्य के पास, क्या कभी भी राज्य को मांगा, संसार की मन्नते संसार की कोई भी इच्छा पूर्ति के लिए, हमारी कोई वासना की पूर्ति के लिए, कोई कार्य के लिए, कोई संकट आए और एक और हम क्या बोलते हैं कि आकिन ना छूटे सुहागनी पड़े कोट विघन, क्या हमने कभी राज्य को राज्य से राज्य को मांगा, नहीं मांगा। क्या हमने राज्य से राज्य के सामने सब कुछ चीजें अर्पण की, भोग लगाया, कई प्रकार की मेवा मिठाई वानगी रखी, कई प्रकार के बाघा वस्त्र इतने महंगे महंगे इतने कॉस्टली चढ़ाए, बहुत कुछ चीज राज्य के सामने रखी, रोज सेवा भी बना रहे कर रहे हम और इतना बड़ा सुंदर सिंहासन
मंदिर भी बनवाया है, सेजिया भी बनवाई है अलग पढ़ाने के लिए, लेकिन क्या राज्य को हमने कभी दिल दिया? नहीं दिया, सब कुछ दिया राज्य के लिए, लेकिन राज्य क्या मांगते रूह के पास? तेरा दिल दे दीजिए और मेरा दिल, मैं तेरे दिल में ही हूं। तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। हमारे पास धाम धनी स्वयं आ जाए तो फिर तो और क्या कहना, क्या मांगना। स्वयं सर्वशक्तिमान, सकल गुण निधान, सर्वसमर्थ धाम धनी आ गए तो हो आए तो सब कुछ आ गए। यहां हरि सिंह जी ने देखो सामने अक्षराती थे और गलती क्या कर दी, भूल क्या कर दी। श्री जी ने आदेश भी कर दिया कि चलो तेरा काम बन जाएगा। आगे एक किशोरी कुंवर श्री जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? उसने सुना कि हरि सिंह पर कोई एक चमत्कार, एक कोई आड़ी का लीला हुई है, देखो उसी पर जो संकट आया था वो टल गया। किसकी कृपा से? ये श्री जी की, ये प्राणनाथ जी की कृपा से। तो चलो मैं भी उसको बुलाऊ मेरे घर में, मैं भी दर्शन करने के लिए जाऊ। और उसने श्री जी के किस रूप में पहले पहचाना, पहले बाद में नहीं, पहले किस रूप में कि ये कोई सिद्ध महापुरुष है, उसने कोई सिद्धि प्राप्त की है, ये सिद्ध महापुरुष है, देखो उसकी शक्ति से संकट टल जाता है और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। धाम धनी ने रास ग्रंथ में क्या बताया? दई प्रदक्षिणा अति घणी, करो दंडवत प्रणाम, सौ साथ के मनोरथ पूर जो मारा धनी श्री धाम, मारा धनी श्री धाम। मन के मनोरथ पूरण किए मारा अनेक वार, वारणी जाय श्री इंद्रावती, मारा आत्म के आधार, मारा आत्म के आधार। धाम धनी ने इस चौपाई के माध्यम से इंद्रावती ने क्या मनोरथ मन में लिए थे? धाम धनी तूने तो मेरे मनोरथ पूर्ण कर दिए, क्या मनोरथ? धाम धनी जो परम धाम में मैं पहचान नहीं पाई थी, हो पहचान, तुमने यहां करवाई, ये मनोरथ तूने मेरा यहां पूरा किया। जो साहेबी, जो इश्क की पहचान, सुंदरसा जी हमारे दिल में महामती इंद्रावती जैसा भाव अभी नहीं आया। मैं अपने पर लेती हूँ, मैं अपने जीव को कोसती हूँ, मैं अपने को सजा देती हूँ, मैं अपने को तोलती हूँ, मैं आपको नहीं कह रही हूँ। इसलिए तो धाम धनी ने रास ग्रंथ में बताया कि आपन हजू नहीं थी वो लखिया। क्या बताया? आपन हजू नथी वो लखिया, जुओ विचारी मन विविध पेरे समझाविया, और दैनिध तारतम आपन हजु नथी वो लखिया। ये तो हमने ज्ञान के माध्यम से पहचान की है, स्वरूप के माध्यम से नहीं पहचान की है। मैं हर बार ये वाक्य को दोहराती हूं, इस चौपाई को दोहराती हूं। साथ मलिने सांबलो, जागी करो विचार, जेने अजवालू आ करियू परखो पुरुषे पार। क्या बताया? साथ मलिने सांबलो, जागी करो विचार, मतलब हम अंदर से जागृत हो गए,
एक की ओर यह भी दृष्टांत दिया कि जो जीव तनी ये रीत नव मुके अंधेर नी प्रीत धनी हमारो अक्षरातीत, तो ये हमें न समझिया प्रतीत। देखो दृष्टांत के माध्यम से राजी क्या क्या समझा रहे हैं, क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। यहां फिर किशोरी सिंह जी, किशोरी कुंवर ने एक सिद्ध महापुरुष के रूप में पहचान की। उसने भी श्री जी को न्योता दिया, आमंत्रित किया, वहां गए, प्रणाम किए, श्री जी की चर्चा सुनी। और किशोर कुंवर किशोरी कुंवर ने चर्चा सुनी, वो बहुत आनंदित हुए और श्री जी को न्योता दिया। और इतना नहीं, आगे बताया कि किशोरी सिंह जी के महल में और भी लोग थे, उसने भी श्री जी की चर्चा सुनी और बहुत से लोगों ने तारतम ज्ञान भी लिया। लेकिन आगे क्या हुआ, एक एक प्रसंग से धनी बता रहे कि वो माया के वशीभूत थे तो पूर्ण रूप से पहचान नहीं पाए। इस चौपाई में थोड़ा मैं ज्यादा स्पष्टीकरण करना चाहती हूं। आज जब मैं उसका चिंतन कर रही थी इस प्रकरण का, तब विचार आया कि यही हालत तो हमारी है, यही कहानी तो हमारी है। हम भी तारतम ले लिया, फिर माया के गृहस्थी जीवन के कार्य में कैसे संलग्न हो गए, कैसे मस्त हो गए, कैसे उस माया में डूब गए कि तारतम लेने के बाद इतने सालों में हमारी आत्मा क्यों जागृत नहीं हो रही है। हमने क्या किया, दोनों ओर पैर रखा, वहां भी रखा, इधर भी और रखा। क्या फरेब मतलब माया और राजी दोनों एक जगह टिक पाएंगे क्या? ये किशोरी सिंह जी के महल की बात नहीं है, ये हमारी अपनी सब सुंदर साथ की यह कहानी है। यहां बताया कि महाया के वशीभूत थे, वो पहचान नहीं कर पाए और श्री जी को आमंत्रण भेजवाया। वहां श्री जी सब सुंदर साथ को लेकर वहां गए, कहा किशोरी सिंह जी के घर। और वहां जब गए और वहां जाके ध्यान से वहां जाके जब श्री जी ने चर्चा प्रारंभ की घर में, तब जाके किशोरी सिंह जी के अंदर ईमान आ गया, उसका विश्वास परिपक्व हो गया, ईमान दृढ़ हो गया और सबको भोजन भी करवाया। और इसके बाद सुंदर साथ जी को बैठने की, खाने पीने की, भोजन की भी व्यवस्था सुसज्जित ढंग से की और श्री जी को भी बहुत आदर सत्कार से भोजन करवाया। ये किशोरी सिंह जी की पहचान धामधनी ने हमको बताई। और एक और भी आगे प्रसंग बताया कि किशोरी सिंह जी की एक दासी थी। देखो एक एक प्रसंग में राजी क्या बता रहे कि किशोरी सिंह जी की एक दासी सेविका थी, वो भी श्री जी की, उसने भी श्री जी की चर्चा सुनी। चर्चा सुनने के बाद उसके अंदर क्या विश्वास आया, कैसा ईमान आया, किस तरह की पहचान की, तो वो रोज श्री जी के पास आती थी ने, तो कुछ कुछ चीजें भेंट में लाती थी श्री जी के चरणों में रखने के लिए। इसलिए सुंदर साथ जी मैंने 2 दिन टुकड़े का प्रसाद रखा। बोले श्री प्राणनाथ, आपको मैंने सीधे नहीं बोला कि तुम रोज प्रसाद लेके आओ, आप समझ गए होगे कि रोज क्या लेके आना चाहिए। यहां समझ में आया मेरी बात कि रोज, देखो किशोरी सिंह जी की दासी का प्रसंग नहीं है, रोज कुछ कुछ धनी के चरणों में वेट रखने के लिए। ऐसे नहीं कि 5 रुपया या 50 या 500 या 1000 रख दिया तो हमारी सेवा, हमारे फर्ज पूरे हो गए। क्या आपने आज खाना खा लिया, शाम को जरूरत नहीं पड़ेगी क्या, कल फिर नहीं पड़ेगी क्या, तो हमारी भक्ति एक टाइम में पूर्ण हो जाती है। राजी ने क्या बताया किशोरी सिंह जी की दासी के माध्यम से कि रोज आती थी और रोज कुछ कुछ वेट लाती थी। जो देखो धामधनी एक प्रसंग को छोड़ना,
नहीं चाहते हैं। धामधनी को सब पता है, तन की जाने, मन की जाने, जाने दिल की, इन साहेब से जिनके हाथ में अपनी। आगे राज जी एक और सुंदर साथ जुड़ते, देखो उसकी पहचान, ये किसकी पहचान चल रही, हमारी तो है। एक आसाराम जी करके एक सुंदर साथ जुड़ते, एक कबीर पंथ के अनुयायी थे। सुंदर साथ जी जो लोग जुड़ते हैं ना हमारे साथ, निजानंद की राह पर चल पड़ते हैं, तारतम लेते हैं, और अन्य पंथ के लोग हैं, देखो वो राज्य की किस स्तर की पहचान कर लेते हैं और उसी के अंदर क्या सेवा का भाव आता है। और देखो इतना नहीं, फिर तारतम लेने के बाद वो चल पड़ते हैं रोज के लिए। मैं रोज बोलती हूँ, चार दिन के लिए आए, दो दिन के लिए आए, रोज मैं कई सुंदर साथ को देखती हूँ, दुख मत लगाना, जो सच्चाई है मैं यहाँ से व्यक्त करूँगी, करूँगी और करूँगी। दिन में रोज तीन फोन कि भाई कैसे हो, क्या है, अरे भाई छोड़िए ना फोन, जो है वो चल रहा है वहाँ, ठीक है। वहाँ से यहाँ आए, यहाँ भी फिर वो लेके हम बैठ गए, तो हम दो घंटे यहाँ राज जी के चरणों में धामधनी ने इस कीचड़ रूपी माया से निकाल कर यहाँ रखे हैं, यहाँ से फिर कीचड़ में, यहाँ सुंदर साथ जी एक एक सुंदर साथ के माध्यम से यहाँ राज जी हम क्या संदेश दे रहे हैं कि आसाराम जी ने श्री जी की चर्चा सुनी, वो भी बहुत प्रभावित हुए और उसने भी श्री जी को बोला कि श्री जी मैं चार पांच दिन तो आपकी सेवा करने की मेरे अंदर इतना सामर्थ्य तो नहीं है, इतनी योग्यता तो नहीं है, चलो एक दिन के लिए आ जाओ, कोई बात नहीं, एक दिन की रसोई दे दो। क्या बोला, कोई बात नहीं, एक दिन की रसोई दे दो। यहाँ भी यही बताया कि एक दिन की लिए मेरे घर पे आ जाओ। तो एक दिन के लिए सुंदर साथ सब श्री जी सहित कहाँ आसाराम जी के घर पधारे। और इसी के बाद प्रसंग बदलता है कि रामनगर के अंदर बहुत सुंदर साथ का चलना होता है। दज्जाल ने अपना बहुत भयंकर रूप ले लिया। कैसा रूप लिया, मुर्गी की, रामनगर के अंदर मुर्गी की बीमारी फैली। हमने अभी भी कोविड का देखा ने, डेढ़ पौना दो साल तक ये कोविड का जो चला वो एक बीमारी तो थी, और देखो कितने लोगों का जाना रहा, मतलब ये तन छूटा। और यहाँ भी राज जी ने बताया कि ये बीमारी 400 साल पहले पूर्व ये घटनाक्रम घटित हुआ था रामनगर के अंदर, और रामनगर के अंदर मुर्गी की बीमारी फैली और दज्जाल ने जो सुंदर साथ थे अपना प्रभाव बहुत बढ़ा दिया। और एक सुंदर साथ तन छोड़ते थे, उसी को शमशान घाट पर पहुंचाया जाता था, फिर अभी उसकी अग्नि तो अभी पूर्ण नहीं हुए जलाना, तब फिर दूसरा सुंदर साथ पहुंचता था। वैसे करते करते बहुत से सुंदर साथ ने तन छोड़ा, उसी के अंदर बहुत से सुंदर साथ का नाम है। मैं समय की मर्यादा के अनुसार मैं जो सुंदर साथ का नाम मैं थोड़े कुछ बताऊंगी, उसी में श्यामल दास चिंतामणि जो ठट्ठा नगर के गद्दीपति आचार्य हमारे साथ ठट्ठा नगर से जुड़े थे, सुंदरसा जी उसका भी धाम गमन तन छूट गया, कहाँ, रामनगर के अंदर। ऐसे मैं चार पांच सुंदर साथ का अंदर नाम लो, कान जी, राम जी चलिया, और उसी के बाद निर्मल दासी संदेश देने में, वो भी बारह सुंदर साथ को संदेश देने में वो नहीं थे इस समय पे नहीं थे, लेकिन लालदासी के साथ निर्मल दासी जब और अब्दुल्ला रुक्का लेके जाता था और सबका पढ़ता था, हमारा रुक्का जब हाथ में लिया तब उसने फाड़ दिया, उसी समय ये निर्मल दासी भी साथ में थे, उसी का भी तब धाम गमन हुआ। और आगे बनारसी भाई बारह मोमिनों में थे, वो नहीं धाम चले, उसकी पत्नी भी धाम चली। वैसे बहुत से सुंदर साथ धाम चले, और जो हमारे लालदासी उसकी पत्नी लालबाई और उसकी पुत्री श्यामबाई वो भी आगे गड्ढे में
अपना तन छोड़ दिया, लेकिन राम राय पन्ना जी तक अपनी सेवा निभाएंगे। और आप सबको पता है जब आप गुमर जी जाओ तब गुमर जी का जो पीछे का दरवाजा, वे तो वैसे तो वो पूर्व का है, जो पीछे का दरवाजा जहाँ लच्छीदास के कड़े लगे हैं, ठीक है, वो कड़े के सामने जहाँ लालदास जी की गुमटी बनी है, मैं एक एक प्रसंग को सूचित क्यों कर रही हूँ, मतलब आपको पता चले कि हमारा सिद्धांत क्या है, हमारी क्या लीला है, हम सिर्फ प्रणाम करके ना आ जाए गुमर जी से, एक एक लीला को पूर्ण रूप से ध्यान से देखे वहाँ गुमर जी में, कि ब्रह्म चबूतरे पर कौन कौन मोमिन, और ऐसे तो 11 साल लीला हुई, लेकिन वहाँ मर्दन सिंह जी की गुमटी है, सुशीला महारानी जी की है, और वहाँ एग्जैक्ट पूर्व पश्चिम के दरवाजे के सामने लालदास जी ने सूरत से लेकर, ध्यान से, सूरत से लेकर पन्ना जी तक तो पल पल, मैं कई बार लालदास जी का नाम लेती हूँ ना तो मेरा दिल भर जाता है, मैं नहीं बोल पाती हूँ ज़्यादा सच में, क्योंकि लालदास जी ने एक एक पल सिर्फ घर परिवार नहीं छोड़ा, श्री जी के साथ पन्ना जी तक 36 विभाग की आप आगे सेवा देखोगे, और अंतिम श्वास तक जो सेवा निभाई यहां आते ही खड़े रहे, इतना नहीं, देखो अपने अंतर ध्यान लीला के बाद भी श्री जी ने अपनी नजरों के सामने रखा गुमर जी में, उसी लालदासी के पास ही लालबाई की है समाधि, उसी के पास ही राम राय की है, मैं ये बताने के लिए आपको, तो वहां अपने दामाद राम राय, लेकिन पुत्री गड्ढे में तन छोड़ दिया। ये सुंदर साथ भी कितनी आशा के साथ श्री जी के साथ चले थे, हम भी एक आशा लेकर तो बैठे हैं कि राजी तेरा दीदार न हो इस संसार में, मैं तेरे को प्रत्यक्ष साक्षात्कार करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ, सिर्फ थोड़ी ये परिवार का पालन पोषण, बच्चों पति की जिम्मेदारी ये निभाने के लिए थोड़ी आई हूँ, ये तो संसार के जीव और बहुत से है, बस मैंने तेरे को 400 साल से नहीं देखा है, अंतिम में गुम्मर जी में तेरा दीदार किया है प्रत्यक्ष स्वरूप में। तो धाम धनी क्या प्रसंग में बता रहे कि कई सुंदर साथ ने तन छोड़े, और जब एक के बाद एक सुंदर साथ तन छोड़ते गए तो सब सुंदर साथ चिंता करने लगे, हमारे अंदर भी कई बार मन विचलित तो हो जाता ने कि अरे ये साक्षात राज जी बैठे हैं हमारे घर में, मैं इतने साल से सेवा कर रही हूँ, इतनी वाणी पढ़ रही हूँ, इतना ध्यान कर रही हूँ, राजी हमारे पर संकट, हमारे घर में से ही सुंदर साथ धाम चले, तो यहां भी सुंदर साथ के मन विचलित हो गए, थोड़े चिंतित हो गए, और सुंदर साथ श्री जी प्रत्यक्ष लीला चल रही थी ना, सुंदर साथ की प्रत्यक्ष लीला चल रही थी ना, तो श्री जी के पास जाके सुंदर साथ जी मैं बोलू ना तब आप पूरा प्रैक्टिकल अनुभव कीजिए उसी समय का, उस लीला में आप डूबिए, सिर्फ सुनना है, मेरे तरफ बुद्धि तो नहीं चलानी है ना आपको, मैं तो डूब नहीं पाती, इच्छा तो होती है लेकिन डूब नहीं पाती, जो डूबने का साहस करूं यहाँ बैठे बैठे तो चर्चा ही नहीं हो पाएगी, देखो सिर्फ इतना होता ना तो कहने का इच्छा नहीं होती मेरे अंदर, आप डूबिए इस भाव में भी डूबिए, आपको राजी ने अवसर दिया है अभी इस लीला को याद करने का, डूबने का। तो यहां जब सब सुंदर साथ जी चिंतित हो गए और श्री जी को क्या प्रार्थना की कि धाम धनी, ये तो एक के बाद एक सुंदर साथ धाम जा रहे हैं, तो श्री जी ने अपने आदेश से, अपने हुक्म से ये आई हुई जो बीमारी थी और सुंदर साथ जो धाम चल रहे थे वो संकट को समाप्त कर दिया अपने आदेश से। लेकिन सुंदर साथ जी यहाँ एक भी ये भी बात बताई कि हमारे साथ पल पल धनी है, और जो धनी ने सोचा है ना वही होगा, जिस समय सोचा है ना उसी समय ही होगा, समय से पहले हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे, कोई भी चीज प्राप्त नहीं होगी समय से पहले, बस धैर्य रखो, जितना घर में जगह बने तभी बस उसी
इतनी बस आगे रास्ता बनाओ, इतना ही बनाओ, जबरदस्ती मत करो। राज जी ने बताया कि आकले काम शैतान के ठंडे अक्षे होए। शैतान होता ना, उसका काम आकले का, जल्द का होता, हमारा तो ठंडे से धैर्य से होना। ब्रह्म सृष्टि की तो रहनी यही है। तो यहाँ राज जी ने समाप्त कर दिया और उसी के बाद प्रसंग बदलता है। फिर औरंगजेब बादशाह, फिर दज्जाल जोर पकड़ता है, अपना प्रभाव, दज्जाल का प्रभाव बढ़ने लगता है। और औरंगजेब बादशाह के दिल में विचार आया कि इन वैरागी लोग, इन महात्मा लोग कहाँ पहुँचे हैं, रामनगर के अंदर। तो उसने पुरदल खान को संदेश भिजवाया कि जाओ पुरदल खान, उन वैरागी, उन महात्मा लोगों को पकड़ लो। और इतना नहीं, वो किस कारण से आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं और अब तक कहाँ थे। और आगे भी कहा कि वो एक नगर नगर, शहर शहर, ग्राम ग्राम, देश देश घूम रहे हैं, जाओ वास्तविकता की जांच करो कि उसका क्या उद्देश्य है। तब पुरदल खान, जो अपना सेनापति शेख खिजर था, शेख खिजर को आदेश दे दिया कि जाओ सेनापति शेख खिजर, उन वैरागी लोगों को, महात्मा लोगों को पकड़ लो, रामनगर के राजा को संदेश दे दो। क्या? कि तुम इन वैरागी, इन महात्मा लोगों को पकड़ के हमारे हवाले कर दो, क्योंकि हमारे बादशाह औरंगजेब का आदेश है, जो तुम पकड़ ना पाओ तो हे राजा, तुम हमारे सामने लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तब सेनापति शेख खिजर गड्ढे से, पहले गड्ढे पहुंचा, वहां से पुकार करता करता आया और आके रामनगर के राजा को संदेश दिया कि हे रामनगर के राजा, तुम इन वैरागियों को, इन महात्मा लोगों को पकड़ के दे, सबको हमारे हवाले कर दे, मैं सबको पकड़ने के लिए आया हूं, या लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तब रामनगर के राजा ने बोला कि हे शेख खिजर, मैं संदेश भिजवाता हूं इस महात्मा लोगों को, वैरागी लोगों को। तब रामनगर के राजा ने अपने शहर में ठहरे हुए श्रीजी और सुंदर सात को संदेश भिजवाया अपने कोतवाल के माध्यम से कि जाओ कोतवाल, तुम उन वैरागी लोगों को संदेश दे दो कि थोड़े दिन के लिए इस शहर को छोड़कर तीन चार कोस, एक कोस बराबर 3 किलोमीटर, तो 3-4 कोस या थोड़े कुछ अंतर पर आप चले जाइए। जब ये बादशाह का दबदबा थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर यहाँ आ जाइए। तब जब कोतवाल इतनी बात राजा की सुनी और कहां गए, श्रीजी और सुंदर सात के पास, और वहां जाके बोला कि हमारे राजा ने संदेश भिजवाया है कि तुम यहां से थोड़े दिन के लिए चले जाओ। तब श्रीजी ने क्या बोला, आगे ध्यान से सुनिए। श्रीजी ने बोला कि उन राजा, कौन, औरंगजेब बादशाह को मिलने के लिए तो हम इंतजार कर रहे हैं, उनकी तो हम राह देख रहे हैं, तुम जल्दी से भेजो, शीघ्र अति शीघ्र भेजो, क्योंकि वो हमारे सामने आ जाए और हमको जो संदेश देना है वो हम जल्दी से उसको संदेश दे दे। आप डरो मत, राजा को कोतवाल, आप राजा को बोल दो कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में, अपने दरबार में शांति से बैठे रहो, हम ये औरंगजेब बादशाह के सेनापति के साथ हम निपटा लेंगे, हम बातचीत कर लेंगे, जो भी सलाह, जो भी करना है हम कर लेंगे, आप सुख चैन से, शांति से अपने दरबार में रहो। तब कोतवाल ने जाके रामनगर के राजा को बोला कि अरे, ये वैरागी लोगों को तो किसी का डर नहीं है, किसी का डर नहीं है, वो तो कह रहे कि उन औरंगजेब बादशाह के लोगों की तो हम राह दिख रहे हैं, क्योंकि हमको भी संदेश भेजना है।
तब जब नहीं माने तब फिर कोतवाल को दूसरी बार भेजा कि जाओ तुम जाके इन वैरागी लोगों को बोलो कि भाई थोड़े दिन के लिए चले जाओ, ये बादशाह क्रूर है, उसके जो दरबारी लोग सेनापति लोग आए हैं इतने हत्याचारी है, और हम एक हिंदू महात्मा है, हम एक हिंदू महात्मा है, और हमारे दरबार में क्या बताया राजा ने, हम एक हिंदू राजा है, सॉरी हम एक हिंदू राजा है, और हमारे दरबार में ऐसे वैरागी लोग महात्मा लोगों को लुटा जाए, ये हम ये कष्ट हम सहन नहीं कर पाते, तो हमारी इस समाज में बदनामी होगी, हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी, तो हे कोतवाल तुम ऐसा करो, जाओ इन वैरागी लोगों को संदेश दे दो। तो फिर कोतवाल रामनगर के राजा ने जब भेजा कोतवाल को, तो ये कोतवाल श्री जी और सुंदर साथ के पास आए, फिर बात रखी, क्या रखी बात, कि तुम यहां से 3-4 कोस थोड़े दूर चले जाओ, फिर आके अपना स्थान पर हम ठहरने की व्यवस्था कर देंगे, फिर आप शांति सुख चैन से रहो, लेकिन थोड़े दिन के लिए ये दबदबा जब शांत न हो तब तक आप चले जाइए। फिर श्री जी ने बोला कि हम इस बादशाह और बादशाह के दरबारी लोगों की राह दिख रहे, तुम क्यों डर रहे हो, हम उसी के पास जो भी विचार विमर्श करना है ये हम कर लेंगे। तो फिर कोतवाल चला गया, तीसरी बार फिर सुबंश राय को भेजा, अपने मंत्री सुबंश राय को भेजा कि जाओ सुबंश राय, ये वैरागी लोग क्यों किसी की मान नहीं रहे, क्योंकि जो पहले राजा थे ना वो स्वाभिमानी थे, वैसे हमारे अंदर भी स्वाभिमान होना चाहिए, अभिमान नहीं, हमारे अंदर भी अहंकार या अभिमान नहीं होना चाहिए, स्वाभिमान तो हर व्यक्ति को अपना होना चाहिए, क्योंकि जो स्वाभिमानी व्यक्ति होगी ने वही उच्च शिखर प्राप्त करेगी, मतलब ऊंची उच्च सोपान वही पहुंच पाएगी, वो प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ क्या बताया कि राजा को कोई औरंगजेब बादशाह से मरने का ये कोई डर नहीं था, उसको क्या था कि हमारी जो यहाँ शान शौकत है, हमारी जो यहाँ गरिमा है, शान शौकत है, हम एक हिंदू राजा है और महात्मा वैरागी लोग हमारे दरबार में लूटे जाए, उसी पर प्रहार किए जाए, और वो उसको औरंगजेब बादशाह के दरबारी लोग लूट के कब्जे करके अपने और कैद में रखे, ये हमारे लिए सहन नहीं होता, और इतना नहीं उस लोगों को ये इज्जत और हमारी बदनामी समाज में होगी, ये भी डर राजा लोगों को रहता था। तो यहाँ सुबंश राय मंत्री को भेजा और जाके श्री जी को और सुंदर साथ को बोले कि तुम क्यों यहाँ से नहीं जा रहे हो, हम बार बार हमारे कोतवाल को भेजा, अनेक बातों से अनेक उपाय करके आपको समझाए, लेकिन आप तो डर ही नहीं रहे हो, आप यहाँ से थोड़े दिन के लिए चले जाइए। लेकिन श्री जी ने क्या बोला, तुम ना डरो, बस उसी के साथ हम लड़ लेंगे, जो भी है हम निपटा लेंगे। फिर सुवंश राय मंत्री रामनगर के राजा के पास गए और वहां जाके क्या बताया, अरे राजा ध्यान से, अरे राजा मैंने सब बातों से प्रयास कर लिया, अनेक तरीके से समझाने का प्रयास कर लिया, मैंने वहां तक बात को समझाया कि अरे हमारे रामनगर पर इतना संकट आया, और देखो इसी के माध्यम से हम सब दंडित हो गए, और गुनाह हमको लगेगा, अपराध हमको लगेगा, ऐसे कई बातों से कई तरीके से हमने समझाया, दंड तक की बात हमने रखी, लेकिन ये लोग तो कोई मानने वाले नहीं है। तब जाके राजा अपने शांति से दरबार में बैठे, अभी वैसे तो नहीं बैठे हैं, लेकिन शेख खिजर को पता चला कि
कि कोई जवाब रामनगर के राजा की ओर से भी नहीं आ रहे और वैरागी लोगों से भी नहीं आ रहे। तो यहां से खिजर यहां पास की हवेली में ही रहता था, जहां राजा का दरबार था वहां पास में ही निवास स्थान शेख खिजर का था। तो शेख खिजर ने सोचा कि चलो मैं स्वयं चला जाऊं। लेकिन जहां रहते थे ने वहां एक हिंदू अधिकारी भिखारी दास भी रहते थे। तो वो भिखारी दास को मिले, कौन? शेख खिजर। और भिखारी दास से आपस में बातचीत हुई, चर्चा हुई कि अब हम क्या करें। हे भिखारी दास, देखो हमने कितने संदेश भेजवाए, ये वैरागी लोग मान भी नहीं रहे और रामनगर के राजा कोई जवाब भी नहीं दे रहे, तो हम आगे क्या प्लान बनाए, क्या रास्ता निकाले। तो भिखारी दास ने बोला कि ऐसा करो राजा, नहीं ऐसा करो भिखारी दास कि मैं पहले जाके, नहीं यहां शेख खिजर को भिखारी दास ने बोला कि हे शेख खिजर, ऐसा करो कि मैं पहले जाऊं इन वैरागी लोगों के पास, महात्मा लोगों के पास, और पहले वास्तविकता की जांच करूं, ये लोग कहां से आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं, क्या धर्म चर्चा करते हैं। तो मैं वहां जाके पहले जांच करूं। और सबसे प्रथम वो भिखारी दास आए श्री जी और सुंदर साथ के पास, और वहां जाके भिखारी दास श्री जी के पास क्या बात रखी कि हे महात्मा लोग, तुम कहां से आए हो, किस उद्देश्य से आए हो। देखो श्री जी के सामने भी मोमिन, भिखारी दास के अंदर भी परमधाम की आत्मा है। राज जी ने वहां बोला था कि मैं जब आपको संदेश भेजूंगा ने कई धर्म शास्त्रों के माध्यम से, इतना नहीं मेरी श्यामा जी आएगी, तुम मानोगी नहीं तो मेरी भी परीक्षा लेगी। राज जी ने पहले से बोल दिया था कि तुम मेरी भी परीक्षा लेगी, मेरे को पता है, क्योंकि मैं भी तेरे तरह एक सामान्य पंच महाभूत के पुतले में ही तो होगा, तो पहचान पाओगी नहीं, क्योंकि परमधाम में मैं दिव्य तन नूरी तन से हूं, तो तेरे को तो ऐसा तन को तो इस संसार में कोई दिखाई भी नहीं देगा, तो तू भी पहचान नहीं पाओगी, तू भी मेरी परीक्षा लेगी। अभी हम छत्रसाल लेंगे ना आज परीक्षा, किसकी लेंगे? राज जी की। देखो अरे भाई, मैं किसी के फंदे में फंसने वाला नहीं हूं, एक बुद्धि फंसाएंगे। तो यहां भी भिखारी दास श्री जी के सामने क्या कहते हैं कि किस उद्देश्य से आए हो। देखो राज जी कितना लाड करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, जैसी लाडली की इच्छा ने उसी प्रसंग के अनुसार राज जी भी लीला करते हैं, क्योंकि हमको खुश रखना है ना, हमको आनंद में रखना है ने। राज्य अंदर तो सुंदर सा जी, राज्य अंदर मंद मंद मुस्कुराते होगे, हंसते होगे कि सामने तो आई है, उसको पता ही नहीं मैं कौन हूं, मेरे लिए कितने सालों से लगी है, लेकिन पता नहीं मैं सामने आ गया। तो भी समझ में आ रही है मेरी बात, क्या हमारी ऐसी घटना घटित नहीं होती कई बार, सामने राज्य होते पहचान ही नहीं पाते, उसकी परीक्षा हम लेने के लिए निकल पड़ते और इधर उधर की बात भी शुरू कर दे, कई बार तो राज्जी को भी दोष दे देते, डांटने भी लगते। यही कहानी हमारी है, सिर्फ भिखारी दास की नहीं है। यहां भिखारी दास किस उद्देश्य से आए हो, तब श्री जी ने बोला कि तुम जो जानने के लिए आए हो ने, मेरे को पता है तू फरामोशी में हो, तेरे को पता ही नहीं तू कहां पर हो, कहां से आई हो, किस लिए आई हो, क्या काम के लिए आई हो, क्या कर रही हो। किसकी बात है? हमारी। भिखारी दास को बताया। राज जी कैसे थोड़ी देर हंसाते हैं, थोड़ी देर रुलाते हैं, आनंद में रोता रमिए, आनंदे रोता रमिए, तेने कहिए ते लक्षण प्रेम।
तब श्री जी ने बोला कि हे भिखारी दास, तुम ऐसा कर, क्या कर, तुम ऐसा कर कि अब तू थोड़ी देर धैर्य रख, यहां बैठ, तुझे जो जानने के लिए आया हो ने, मैं अब ये बात तेरे पास रखता हूं। और श्री जी ने वेद और कतेब, मैं रोज एक चौपाई बोलती हूं, जो कहिया वेद ने सोई कहिया कतेब, दो बंदे एक साहेब के, पर लड़त न बिना पाए भेद। देखो यहां हिंदू है, यहां भागवत को लेकर और कुरान को लेकर, दोनों को लेकर बात करनी पड़ी। क्यों कर रही है, करनी पड़ रही है सुंदरसा जी, आप सोचिए। क्योंकि भिखारी दास जाके फिर किसको बतानी ये बात, शेख खिजर, और शेख खिजर किस जाति का है, मुस्लिम, ठीक है। तो यहां श्री जी ने वेद और कतेब, भागवत और कुरान, भागवत और कुरान को लेकर, दोनों को लेकर बात शुरू की। इस क्रबत से लेकर, ध्यान से सुनिए, इस क्रबत से लेकर ब्रज रास जागनी और चौथे दिन की जागनी की लीला, और इतना नहीं, और सातवें दिन में कैसे कब्र में मुर्दा खड़े हो गए, कुरान को लेकर भी बात रखी। क्योंकि हम आज तीन चार दिन से सुनते आ रहे हैं कि कुरान के 30वें पारे में, आम पारे में, इन्ना इंजुला सूरत में लैल तुल कद्र कई निशानी संकेत के रूप में बताई है, और 15वें सिपारे में खुदा ताला की सूरत का और म्याराज का जो मोहम्मद साहब का दर्शन हुआ ये भी बताया है, और इन्ना आते ना सूरत में होज को सब ताल की भी साक्षिया बताई है। तो यहां श्री जी ने भागवत के 40 प्रश्न, भागवत के 40 प्रश्न और कुरान के 22 प्रश्न, और कुरान के 22 प्रश्न में क्या क्या लिया, कुरान के 22 प्रश्न में क्या क्या लिया, हम मैंने समझाया था एक दिन दिल्ली के प्रसंग में कि हे भिखारी दास, पहले भागवत से समझाया कि भागवत में 10वें स्कंद में अखंड ब्रजरास की लीला है, और 40 प्रश्न में हमने कई बार कई कई प्रश्नों पर चर्चा भी विस्तृत से की है कि मोह क्या है, क्या पदार्थ है, कहां से उत्पन्न हुआ, ये हिरण्यगर्भ अंड क्या है, ये सब प्रश्नों पर हमने पहले, मोह सागर क्या है, कहां से प्रकटन हुआ, ये सब निराकार क्या है, साकार क्या है, और अखंड ब्रजरास की लीला के प्रश्न, ये सब बात जब रखी भिखारी दास के सामने, और कुरान के 22 प्रश्न में 7 निशान, कुरान के संबंधित 7 निशान, और इमाम मेहंदी जाहिर हो चुके हैं, ये 7 निशान में क्या रखा था, हम एक बस शॉर्ट रूप में समझ ले। भिखारी दास को श्री जी समझा रहे कि हे भिखारी दास, कुरान के अंदर जो 22 प्रश्न में क्यामत संबंधी क्या रखा हुआ है, ये कुरान के संकेतों के रूप में, पहले दाभातुल अर्ज नाम के जानवर, उसके जो पेटा विभाग में हमने देखा था कि जानवर की वृत्ति, तन तो मनुष्य का होगा, आकार तो मनुष्य का होगा, लेकिन लक्षण वृत्ति एक जानवर की होगी। इस दाभातुल अर्ज के जानवर गिद्धड़ की पीठ, सुअर की दृष्टि, शेर की छाती, पहाड़ी बैल के सींग, हाथी के कान, मुर्गे की गर्दन, ये सब क्यामत के समय, तभी हमने समझ लिया था कि क्यामत का जब समय आएगा तब मनुष्य के लक्षण एक जानवरों की तरह हो जाएंगे। कैसे, स्वार्थ रुचि से भरपूर, अपने घर के कोई लौकिक कार्य में तो धन का व्यय खर्च करेंगे, लेकिन धार्मिक कार्यक्रम में, जागनी प्रचार में, वो सेवा में अपने धन को नहीं लगाएंगे। और कलयुग के मानव क्रूर सिंह की तरह क्रूर और हत्याचारी होंगे,
और मुर्गे की तरह स्वार्थ की भी वृत्ति होगी, जब जरूरत पड़ती तो अपनी गर्दन झुकाता, और पहाड़ी बैल की तरह झगड़ालू लोग भी होंगे, और सूअर की तरह गंदी दृष्टि होगी, और हाथी के कान की तरह चित्त वृत्ति में खराब संस्कार होंगे, अपनी सिफत नहीं सुनेंगे, खराब बातों को, इन निंदा चुगली की बातों को वो जरूर सुनेंगे। तो ये और आगे दज्जाल का निशान आजुज माजुज, जब दिन और रात मनुष्य की उम्र को कैसे हर लेते हैं, और दज्जाल एक आंख से काना होगा, और सात दरियाओं का पानी अपनी जांग तक पहुंचेगा। आजुज माजुज मगरब में सूर्य और रूह अल्लाह आएगी, इमाम मेहंदी प्रकट हो गए, और असराफिल फरिश्ता भी आएंगे, और एक सुर जब फूकेंगे तो ये ज्ञान जाहिर होगा, और दूसरे सुर में ये राह देख के कुबड़ी फिट करके बैठा है। वैसे कोई जाहिरी असराफिल नाम का कोई फरिश्ता कुबड़ी फिट करके नहीं बैठा है, लेकिन दूसरा सुर क्या है, तब सात आठ प्रकार की बिस्त में, तब आठ प्रकार की बिस्त में अपनी करनी के हिसाब से सब अखंड हो जाएंगे। तो ये सात निशान की बात किसके सामने रखी, भिखारी दास के सामने, और भिखारी दास ने जब इतना सुना ने, तब तो तीन दिन और तीन रात तक वहां से, तीन दिन और तीन रात तक वहां से खड़े ही नहीं हुए, और वहां जाके शेख खिजर को बताया, और शेख खिजर ने बोला कि अरे तुम कहाँ की बात कर रहे हो, क्योंकि भिखारी दास ने बोला कि अरे मैंने आखिर जमाने का खाविंद देख लिया, अरे मैंने खुदा ताला को मेरी नजरों के सामने देखा, चलो इमाम मेहंदी का दर्शन करना हो तो मैं आपको लेके चलू। तब जाके शेख खिजर को जब जो बात वहां सुनी थी भिखारी दास ने, ये बात जब यहां सुनाई, शेख खिजर ने बोला चलो सवारी तैयार करो। जब सेवकों को आदेश कर दिया सैनिकों को, तो उसने घोड़े की सवारी तैयार की, शेख खिजर श्री जी को मिलने के लिए तैयार हो गए, और वहां श्री जी के पास पहुंचे सवारी लेकर, श्री जी के चरणों में प्रणाम किया। जैसे ही श्री जी की ध्यान से, जैसे ही श्री जी की दृष्टि शेख खिजर की नजरों में, नजरे निगाह में निगाह मिली ने, तब तो श्री जी ने देख लिया ये तो परम धाम का अंकुर है। बोलो श्री प्राणनाथ, क्योंकि सदगुरु महाराज ने पहले से बोल रखा था कि हमारी आत्मा है। इंद्रावती ने पूछा था ने कि क्या और ज्ञाति और जाति में भी हमारी आत्माएं आई है, तब बोला हाँ मुस्लिम जाति में भी कोई कोई आत्माएं उतरी है। तो यहां जैसे ही देखा तब बोले अरे तुम तो परम धाम का अंकुर है तेरे अंदर, जैसे वरद अस्त रखा, तब फिर तो कहना ही क्या। शेख खिजर श्री जी के चरणों में झुक गए, दंडवत प्रणाम किया, और श्री जी की बात वो ध्यान से एकाग्रता से सुनने लगे, और ईमान भी आ गए। वो श्री जी को क्या बोले कि श्री जी बस आज मैं आपके चरणों में, मेरा सब कुछ न्योछावर है, समर्पित है, आप जैसा आदेश करोगे मैं वैसा ही वर्ताव करूंगा, वैसे ही मैं पालन करूंगा। श्री जी आज मेरी आत्मा भी आज मेरी नहीं रही, धनी मैं तो आपकी कियल सब कुछ मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। उसी समय एक बेदड़े के मुसलमान को आते हैं, क्योंकि उस दिल में क्या इच्छा थी कि चलो ये शेख खिजरा आया है, हम भी उसको थोड़ी मदद करें, क्योंकि उसको जब हम मदद करेंगे ने तो हमको बड़ा सबाब मिलेगा, पुण्य मिलेगा, और हमारी भी वहाँ सिफत होगी। तो उसी हिसाब से बेदड़े के मुसलमान भी वहाँ आते हैं सुंदर साथ जी, और जब शेख खिजर को पता चला, क्योंकि इन मुसलमानों ने शोर मचाया, श्री जी को क्या बोले अरे भाई तुम हिंदू वैरागी बन के हमारे कुरान क्यों पढ़ रहे हो, छोड़ो ये शरीयत इजाजत नहीं देती। तब शेख खिजर ने देख लिया कि अरे अपने सेवकों को बोल दिया जाओ तुम इन
ये मुसलमान लोगों को धक्के मारकर बाहर निकालो, इन लोगों ने शोर मचा के रखा है। सुंदर सा जी क्यों बोला? क्योंकि पहचान हो गई। पहचान के बाद क्या बल होता है, मैं ये कहना चाहती हूं, ये प्रसंग नहीं कहती हूं बेर, समझ में आया? बीच बीच में मैंने जो प्रसंग रखा उसी के बाद जो प्रेरणा मिलती है वो मैं मुख्य बता रही हूं। प्रमुख प्रसंग यही है कि पहचान के बाद हमारे अंदर कितना बल आ जाता है। हम कमजोर नहीं रहते आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, ध्यान से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से या आत्मिक रूप से हम कमजोर नहीं रहेंगे। जो कमजोर है तो हमारे अंदर परमधाम का बल नहीं है, बस ये दो बात है। मतलब हम परमधाम की ब्रह्म सृष्टि नहीं है, क्योंकि रूह का तो कितना बल होना चाहिए। यहां धामधनी ने क्या बताया, जब चर्चा कर रहे थे तो शेख खिजर ने सबको धक्का मारकर बाहर निकाल दिया अपने सैनिकों के माध्यम से, और पूरा श्री जी के चरणों में झुक गए। और अपने साथ जो सैनिक लोग की पूरी सेना आई थी वो भी श्री जी के चरणों में प्रणाम किया, और वो आसपास बैठकर वो भी श्री जी की चर्चा सुन रहे थे, सैनिक लोग भी, मुसलमान लोग भी। तो उसने सोच लिया, विचार किया, क्या विचार किया कि अरे ये आखर जमाने के खाविंद है, ये इमाम मेहंदी है, क्योंकि उसने बात सुन ली, चलो हम भी उसके चरणों में समर्पित हो जाते हैं। तो शेख खिजर और सब सैनिक श्री जी के चरणों में प्रणाम किए। उसके बाद प्रसंग बदलता है, फिर रामनगर के राजा को अंदर डर बैठ गया। क्या बैठ गया? क्योंकि शेख खिजर ने जब पहचान कर ली, तारतम ज्ञान ग्रहण कर लिया और अपने परिवार सहित ईमान आया और श्री जी के चरणों में समर्पित कर दिया, फिर रामनगर के राजा के पास गए शेख खिजर, और राजा को क्या बोला कि धिक्कार है राजा तेरे को, तेरे को धिक्कार है, इतने दिनों से तेरे शहर में ये हादी मेरे इमाम मेहंदी और आखरुल जमा साहिबुज जमा ये खुदा ताला तेरे दरबार में आके बैठे हैं, तूने पहचाना नहीं, धिक्कार है तेरे को। ये किसकी बात है? रामनगर के राजा को बोला कि धिक्कार है तेरे को, तू बदनसीब है, तेरे सौभाग्य में था सामने आए तू पहचान नहीं पाया। तब राजा ने बोला कि बहुत अच्छा हुआ, कल तो तू भी गधे से पुकार करता आया, तेरे अंदर भी एक पाप आ गया था, और इतना नहीं तू भी शोर मचाने लगा था, आज तेरी बुद्धि पलट गई, बुद्धि सुधर गई क्या? अच्छा रहा, चलो। तो फिर रामनगर के राजा ने अपने और सैनिकों को, अपने सेवकों को भेजा कि जाओ तू एक बार वहां की थोड़ी वास्तविकता की जांच करो। तब वहां सैनिक लोग राजा के बैठे थे, राजा के सैनिक लोगों ने क्या बोला रामनगर के राजा को कि अरे आप मत जाइए वहां, कहा ज्ञानपीठ में है। बोलिए श्री प्राणनाथ। वहां सैनिकों ने बोला कि राजा आप मत जाइए, कहा इन वैरागी के पास, क्योंकि ये वैरागी है ना, कोई तांत्रिक विद्या है उसके पास, और कोई सिद्धि प्राप्त कर ली है, और सिद्धि प्राप्त करने के बाद वो इच्छा करते ना मन की संकल्प शक्ति से, तो कोई कुछ चीजें पैदा कर लेते, एक भभूति पैदा कर ली है, और भभूति वो अपने सुंदर साथ के हाथ में रखते हैं, जो वैरागी लोग गोर आए ना उसके हाथ में रखते, जैसे ही आप जाओगे ना तो उस सुंदर साथ उस पर छिड़काव कर देंगे, छाटेंगे तो आप उसके बन जाओगे, तो ये राजा आपका शासन समाप्त हो जाएगा, आप मत जाइए एक दिन के लिए भी रसोई देने के लिए। बोलिए श्री प्राणनाथ। क्या बोला राज जी ने कि आप मत जाइए वहां, जाके तो आप फंस जाओगे, क्योंकि उसका ज्ञान इतना गहरा है। बोलिए श्री प्राणनाथ। तो राजा ने बोला कि अरे, सैनिक लोगों को बोला कि क्या करूं, शेख खिजर ने मेरे को शर्मिंदा कर दिया, लज्जित कर दिया है, मेरे को तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि धिक्कार आने, धिक्कार आने, तो मेरे को जाना ही पड़ेगा। तब वहां आते हैं राजा, लेकिन दूर से दर्शन करते हैं, नजदीक नहीं आए। तो
तो राज जी ने बताया प्रसंग के माध्यम से कि जितना अंकुर था इतना सुख लिया। जीव सृष्टि के जीव बेचारे ये बात को कैसे समझ पाते। जीव सृष्टि के जीव उसको तो नींद आएगी, जो जबकि भी लग जाएगी, पता नहीं थोड़ा बोर भी हो जाएंगे, थक भी जाएंगे, थोड़ी इधर बैठेंगे, थोड़ा इधर ही होगे, लेकिन ब्रह्मधाम की ब्रह्म सृष्टि होगी वो कैसे सुनेगी। कल हम देखेंगे परसों अष्टपर के बीतक में मुरलीधर दास भाई चर्चा कैसे बैठ के सुनना चाहिए ना, वो उसी प्रसंग से आपको सीख लेनी है कि कैसे बैठ के सुनना चाहिए और कि मतलब डिसिप्लिन मतलब क्या शिस्त अनुशासन में कैसे बैठ के मतलब कैसा पालन करना चाहिए। ये धाम धनी एक एक प्रसंग के माध्यम से यहाँ बताया कि जितना अंकुर था इतना सुख लिया वो अपने घर चला गया। और वहाँ एक धमोनी से गुलाम मोहम्मद आते हैं, उसने भी ये विचारा कि चलो मैं भी कुछ मदद करूँ। किसको किसको मदद करूँ। इससे खिजरा आए हैं तो उसको पता नहीं था, हाँ नहीं उसने सुन लिया था कि शेख खिजरा एक हिंदू वैरागी के चरणों में झुक गए हैं, तो चलो मैं भी वहाँ जाके थोड़ा तूफान मचाऊँ, झगड़ा करूँ। तो उसी हिसाब से आया, लेकिन शेख खिजरा ने उसको भी भगा दिया। और बाद में 1739 में अगन मास की दशम को शुक्ल पक्षी दशम को श्री जी गड्ढे में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, गड्ढे में जाते हैं, कितने पड़ाव करके। और तो यहाँ श्री जी रामनगर से सुंदर साथ जी अगन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को सुंदर साथ सहित वहाँ से चले और चतुर्दशी को गड्ढा में पहुँचते हैं। और गड्ढे में जाकर एक बाग में ठहरते हैं। और यहाँ गुलाब मोहम्मद ने 5 सैनिकों को भेजा और सुंदर साथ और श्री जी को वहाँ बाग में रोक लिया। और बाग में श्री जी ने कोई उदाहरण देकर और सनन ग्रंथ को लेकर भी चर्चा बताई, तो उन सिपाहियों के अंदर भी ईमान आ गया और वो भी वहाँ से निकल गया। उसने क्या सोचा कि अच्छा रहा कि हमने ये परब्रह्म को पहचान लिया, मतलब कि उसी के अंदर परब्रह्म की शक्ति बैठी थी, जो हमने कोई पाप कर्म कर लिया होता तो फिर हमारे पर बहुत बड़ा संकट आ जाता। हमारा सद्भाग्य कि हमने उसको पहचान लिया, इन वैरागी को नहीं लूटा। फिर वहाँ से निकलते हैं तो हाकिम राय का बेटा एक जो है भगवंत राय का बेटा एक हाकिम है, उसने भी श्री जी को लूटने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ एक गंगाराम वाजपेयी का निवास स्थान था, उसको पता चला। क्या पता चला कि वो वैरागियों को लूटने के लिए निकल पड़े, तो उसने समझाया कि उन वैरागी को तुम मत लूट, उन वैरागी को तुम मत लूट, क्योंकि ये वैरागी इतने वो कमजोर नहीं है, उसके अंदर बहुत अथाह शक्ति है, बहुत बल है, तू यहाँ से निकल जा। और उसी के बाद बताया कि लागी लानत गड्ढे को, उस दिन से हुआ खुआर, सो रोज क्यामत लो ठोर न आवे लगा रह। उसी समय से गड्ढे में परब्रह्म की ओर से क्या लगी, लानत लगी, धिक्कार लगी कि गड्ढा का क्या होगा, धिक्कार लगी, तो गड्ढे का वहाँ से गिरना शुरू हो गया। मतलब खुदा ताला ने बोला, राज जी ने बोला कि उसका पतन हो जाएगा। और महामत कहे साथ जी एक गड्ढे की बीतक कछुक पीछे रही है, सो कहो हुकम हक। महामती कहे ये साथ जी, हे सुंदर साथ जी, गड्ढा के अंदर परब्रह्म की ओर से धिक्कार और लानत फिटकार लगी और गड्ढा को गड्ढा का पतन होने लगा, और कहाँ तक, अंतिम क्यामत तक वो खड़ा नहीं हो पाएगा। और अंतिम बताया कि मैंने अभी सुंदर साची ये गड्ढे का प्रसंग सुनाया और आगे भी मैं और गड्ढे का प्रसंग सुनाने के लिए जाता हूँ, लेकिन बीच में थोड़ी रामनगर की बात अभी छूट गई है, तो ये आप सुन लीजिए, बाद में हम मिलाप करेंगे। गड्ढा का वृतांत। गड्ढे की मजल में आया याद रामनगर, तीन की मजल कहत हूँ सुनियो साथ खबर। यहाँ धामधनी ने क्या बताया कि जब जागनी लीला में श्री जी आगे बढ़ रहे हैं,
तब श्री जी और सुंदर साथ गड्ढे के अंदर पहुंचे, वहां पड़ाव डाला और उसी समय बीच में जो रामनगर का कुछ प्रसंग छूट गए थे वो प्रसंग धामदणी यहाँ याद दिलाते हैं। तो हे सुंदर साह जी आप सुनिए क्या प्रसंग है, अभी मिलाप करना है ना, उसी के आगे का ही तो प्रसंग है ये। इस प्रकरण में ये प्रसंग सुनेंगे तभी तो आगे का पता चलेगा। सूरत सी ईमान लाइया देख के दीदार, सक मन में ना रही देखा धनी निर्धार। सबसे प्रथम हमने आगे सुन लिया, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगी। सूरत सिंह जी ने सी जी की चर्चा सुनी, वो बहुत प्रभावित हुए, आनंदित हुए, उसने धाम धनी की पहचान कर ली, उसी के अंदर कोई संशय नहीं रहा। और इतना नहीं, साक्षात ये पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत थे, उसी स्वरूप में पहचान कर ली और उसके अंदर इतना अटूट विश्वास आ गया। और आगे धामधनी ने क्या बताया कि सूरत सिंह जी ने जब पहचान कर ली और साक्षात श्री जी को धामधनी के स्वरूप में मान लिया तो उस दिल में खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, आनंद का कोई ठिकाना नहीं है। और क्या सोचने लगे कि ये बात मैं कहूँ तो किसको कहूँ, ये बात कहूँ तो मैं किसको कहूँ। जैसे गांगजी भाई और सदगुरु धनी देवचंद्र जी, देवचंद्र जी को तीसरा दर्शन हुआ कांजी भट्ट के वहाँ श्याम जी के मंदिर में, तब श्याम सुंदर भाई अंदर क्या सोच रही थी आत्मा कि अरे देवचंद्र जी क्या सोच रहे थे कि अरे ये बात कहूँ तो किसको कहूँ, कोई पात्र तो होना चाहिए, कोई योग्यता प्राप्त करने वाला तो होना चाहिए, ये बात तो अखंड की है, अखंड धाम की है। तो यहाँ सूरत सिंह जी भी विचार करने लगे कि बात कहूँ तो मैं किसको कहूँ। फिर वो देवकरण जी के पास गए और देवकरण जी के पास जाके उसने श्री जी के बारे में बात बताई, उसने ये बात सुनी और क्या कहा कि तुम भी ध्यान से, तुम भी खुदा ताला अल्लाह ताला का दीदार करना चाहते हो ने, अक्षरातीत का विज्ञाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का, तो तुम चलिए मेरे साथ, मैं आखर जमाने का खाविंद हादि का दर्शन कराना चाहता हूँ। तब तो देवकरण जी ने बोला कि कहाँ है वो, क्या बोला वो कहाँ पर है, अरे इतनी सरलता से क्या राज्य मिलते हैं। हमारे अंदर भी इच्छा होगी ना कि इतनी सरलता से क्या राज्य मिलते हैं। यहां क्या बताया कि सुंदर साथ जी, यहां सूरज सिंह जी ने बताया कि चलो केत की नदी के किनारे पर आए हैं, वहां सब सुंदर साथ की जमात के साथ पड़ाव डाले हैं, वहां चलो। तब सूरज सिंह जी, देवकरण जी ने बस इतनी बात सुनी ने, वो सीधे अपने आदेश को शिरोधार्य कर लिया और केत की नदी के किनारे पर पहुंचे और केत की नदी के किनारे पर पहुंचकर श्री जी का दर्शन किया, चरणों में प्रणाम किया और उसके अंदर भी परम धाम का अंकुर था तो मन में कोई जात की शंका संशय नहीं रहा और बस श्री जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके वहां से सुंदर सा जी वो निकले। और उसने दिल में क्या विचार किया कि अरे क्या विचार किया, अरे मेरे चाचा कौन है, छत्रसाल जी, मेरे चाचा छत्रसाल जी 12 साल से एक लॉकेट गले में पेन रखा है बुद्ध जी की छाप का सिक्का वाला, तो ये 12 साल से इंतजार करे, राह दिख रहे, तो चलो मैं वो बात किसको बताऊं, मेरे चाचा छत्रसाल को। वो निश्चित रूप से पक्का मेरे को भरोसा है, विश्वास है, को ईमान लाएंगे। तो ऐसे करूं कि यहां थोड़े कुछ सुंदर साथ का मैं नाम बता दूं, ठीक है। तो यहां जो अनाज की रसोई की सेवा में कौन कौन है, तो पहले पतिराम का नाम बताया, उसी के साथ केशवदास जी जयंती काका भी ये सहाय मदद रूप बनते थे। इतना नहीं, जयंती काका पानी पिलाने की भी सेवा करते थे, कहाँ सुंदर साथ की जमात में। और आगे गरीबदास जी ये सब प्रबंधक के रूप में, सब सेवा में, रसोई और भी कोई सेवा हो, सब गरीबदास और इसके साथ और भी सुंदर साथ है सेवा में शामिल रहते थे। इन सब के ऊपर
सबका लीडर के रूप में एक नेतृत्व करने के लिए दरोगा के प्रबंधक के रूप में वृंदावन दास जी रहते थे। और गाने की सेवा कौन करते थे? तो निर्मल दास जी करते थे। कौन करते थे? निर्मल दास जी और मुकुंद दास जी भी विशेष करके करते थे। और बाई जी भी बहुत सुंदर गाती थी। हम एक चौपाई गा ले, ठीक है? मेरे मीठे बोले साथ जी मेरे, मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम सखी रे धाम जइए, मेरे मीठे बोले साथ जी। एक गा दो, मंगल गाइए दूल्हे को, मंगल गाइए दूल्हे, ओ आए श्यामावर श्याम, आए श्यामावर श्याम, नैनो भर भर निरखिए, नैनो भर भर निरखिए, विलसिए रंग रस काम सखी रे धाम जइए, मेरे मीठे बोले साथ। सुंदर साथ जी, भाई जी, इसलिए मेरे को इच्छा हुई कि भाई जी ने कैसी गाने की भी सेवा में सम्मिलित हुई है, और आगे आरती की भी सेवा होती है और उसमें भी सब सुंदर साथ जुड़ते हैं। श्री जी की कैसे सब सुंदर साथ खड़े होके पूर्ण पहचान कर ली है, आरती करते हैं और उसी के बाद भोजन प्रसाद सब घर घर पे, सुंदर साथ का घर घर पे प्रीति भोज भोजन प्रसाद की सेवा रहती है। और सातवीं मजल में बताया कि गड्ढे एक मास 13 दिन हुकम हुआ से राज का आवो सुल्तान पे मोमिन। रामनगर से श्री जी जब निकले अब गड्ढे पहुंच रहे, इसलिए मैंने ये चौपाई बीच में ली कि सात मजल में पड़ाव के बाद श्री जी गड्ढे आए, वहां पर एक महीने कितने दिन रुके? 1 महीने 13 दिन रुके। और वहां जाके सुंदर साथ जी औरंगजेब बादशाह को एक संदेश देने का फिर श्री जी ने विचार किया। और गड्ढे में धर्माबाई भी श्री जी और लालदासी को मिलती है, और वो क्या संदेश देती है? धर्माबाई देवकरण जी को कि जाओ देवकरण, तुम्हारे चाचा लालदासी को, यहां तो लालदासी को बता रही है, लालदासी को बता रही कि हे लालदासी, मैंने देवकरण के माध्यम से छत्रसाल जी तक, मैंने देवकरण के माध्यम से छत्रसाल जी तक श्री जी और सुंदर साथ आ चुके, ये मैं संदेश दे दिया है। और आगे बहुत से सुंदर साथ जुड़ते हैं। पहले भोजन प्रसाद का नाम आया सबका, और यहां और कई सुंदर साथ जुड़ते हैं। इन समय लालदास को हुआ हजूर का हुक्म, जाय को सुल्तान पे लियाओ फेर पैगाम ऊपर तुम। इस समय लालदास जी को हुक्म हुआ किसका? श्री जी का, कि जाओ तुम औरंगजेब बादशाह को संदेश दो। किसका? इमाम मेहंदी जाहिर हो चुके क्यामत के निशान 22 प्रश्नों को लेकर तुम संदेश दो। तो उसी समय लालदास जी को जब आदेश हुआ तो लालदास जी वहां निकल गए, लेकिन पीछे से, ध्यान से, पीछे से क्या हुआ? जब कुरान का फाल निकाला, कुरान खोला, तो उसमें फाल क्या आया? हारून फेरून और मूसा पैगंबर का। तो हारून कौन है? छत्रसाल जी महाराज। फेरून कौन है? औरंगजेब बादशाह। मूसा पैगंबर कौन है? श्री प्राणनाथ जी। यहां हारून ने क्या मांगा? अपने एक भाई को मांगा, मूसा को मांगा। हारून ने बोला, कुरान के फाल के माध्यम से प्रसंग निकला, हारून ने बोला
कि मेरे को हे खुदा ताला एक भाई बख्शो, एक भाई बख्शीश में दो, क्योंकि मैं एक फकीर हूँ, मैं गरीब हूँ। ये लौकिक दृष्टि से फिरौन बादशाह बहुत धनी है, पैसादार है, तो मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकता, मैं कैसे उसके सामने लड़ूं? तो हे खुदा ताला मेरे को एक भाई बख्शो, दे दो। तब खुदा ताला ने अर्जी सुन के मूसा नाम के भाई यहां दिया। ये फाल जब निकला ने, तब श्रीजी ने लालदासी को रोक लिया कि हे लालदासी, तेरे तुमको संदेश देने के लिए नहीं जाना है, जाओ चरणदासी तुम और गरीबदास तुम दोनों जाओ। फिर यहां जब फाल के अंदर ये निकला तो पता चला कि आगे हमको साकुंडल मिलने वाली है, सकुमार ने तो हमारा संदेश को नहीं सुना, साकुंडल मिलने वाली है। तो यहाँ कौन है? मूसा पैगंबर श्री प्राणनाथ जी, हारून छत्रसाल जी और फेरून बादशाह औरंगजेब। और कल भी हमने प्रसंग में देखा था कि मूसा पैगंबर की लाठी से दरियाई कुलजम पर जैसे एक चमत्कार हुआ और पुल बन गया और हारून की सेना पार हो गई और फेरून की सेना डूब गई थी। तो यहाँ कौन है? मूसा पैगंबर के अनुयायी, प्राणनाथ जी के अनुयायी हम सब सुंदर साथ है। ये तात्म वाणी के माध्यम से बहुसागर से पार उतर जाएंगे। फेरून मतलब संसार के जीव, कर्मकांड में फंसने वाले ये लोग के शक्ति नष्ट होती जाएगी, दिन प्रतिदिन वो नष्ट होते जाएंगे। तो जब ये फाल निकला तब ये संदेश देने का फिर रुक दिया कि नहीं अभी नहीं जाना है, क्योंकि आगे का पता चल गया। ये बात जब लाल ने सुनी, आगे करी श्री राज के लालदासी ने ये बात सुनी और श्री जी को बताई और आगे हमने सब सुन भी लिया। और तब धामधनी श्री प्राणनाथ जी ने, संतदास और धर्मदास को देवकरण के पास संदेश भेजवाया कि जाओ देवकरण को सूचना दे दो। और यहाँ श्री जी ने अगर ये से लालदासी और उत्तमदासी को भेजा कि जाओ गोविंददासी, लालदासी, उत्तमदासी और जीवनदासी तुम जाके महाराजा छत्रसाल को संदेश दो। क्या संदेश दो? कि जाओ श्री जी, मतलब निष्कलंक बुद्ध स्वरूप की जो राह देख रहे हो ने वो आ गए हैं। यहाँ और भी सुंदर साथ, लखीराम, बूढ़ी बूढ़ा और भी सुंदर साथ जुड़ते हैं और संतावरी भी, दीपा सब जुड़ते हैं। वहाँ 11 दिन बिलहरी में उत्सव होते हैं, बहुत से सुंदर साथ की जागनी होती है। महामती कहे मोमिनो एक गड्ढा की भी तक, आगे कहो परना की चोहे हुकम हक। श्री महामती जी कहते हे साथ जी, मैंने अभी तक गड्ढा का वृतांत कहा, अब हम छत्रसाल जी और श्री प्राणनाथ जी के मिलाप की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये राज जी के हुक्म से अब पन्ना में क्या घटना घटित होने वाली है ये हम आगे बढ़े। पहले सूरत सिंह जी ने सुनी बीच रामनगर, देव जी को दिखाया तो कहिया पैगंबर। सबसे पहले रामनगर में, ध्यान से, सबसे पहले रामनगर में सूरत सिंह जी ने श्री जी के विषय में सुना था, उसके बारे में उसने देवकरण को बताया था। तो पहले सूरत सिंह जी ने सुना इसलिए उसको पैगंबर कहा गया, क्योंकि वो खुदा ताला का संदेश पैगाम लेके आया ने। फिर देवकरण जी ने छत्रसाल जी को बताया ये संदेश, ये पैगाम, तो वो भी पैगंबर कहलाए। और आए राज रामनगर तहां बिराजे बरस दोय, और श्री जी 2 साल तक कहां बिराजे? रामनगर में। और दीवान देवकरण जी के दीवान देवकरण जी श्री जी के चरणों में भी रहे। और जो दीवान देवकरण जी ने पहचान कर ली उसके अंदर इतना उत्साह है, क्या उत्साह है कि चलो मैं जल्दी से छत्रसाल जी को, मेरे चाचा को ये बात, किसकी बात? निष्कलंक बुद्ध स्वरूप प्रकट होने की बात बताओ। महाराजा छत्रसाल सुनकर आनंदित हो जाएंगे। और वहां जाके देवकरण कहां, वहां जाके कहां जाके छत्रसाल जी के पास जाके ये बात रखी और एक बात और भी रखी कि हे चाचा छत्रसाल जी, जो औरंगजेब बादशाह है ने वो श्री जी के साथ वैर भाव रखता है, क्योंकि उसने बहुत से राजाओं को
जगाने का प्रयत्न किया, संदेश दिया, लेकिन कोई भी राजा नहीं जगे। श्री जी का एक ही उद्देश्य है, कोई संसार की धन संपत्ति के लिए नहीं, धर्म कार्य के लिए, धर्म के लिए वो लड़ने के लिए निकल पड़े हैं। तो हे चाचा छत्रसाल जी, ये बात को आप ऊपर विचार कीजिए। और आगे परमधाम का अंकुर था छत्रसाल जी के अंदर, जब इतनी बात देवकरण जी ने रखी ने, तो छत्रसाल जी के अंदर परमधाम का अंकुर था, उसने ये बात मान ली और सर्वस्व अपना समर्पित करने के लिए वो भी तैयार हो गए। और अब दिल में छत्रसाल जी के जागनी के विषय में यहां श्री जी क्या विचार कर रहे हैं कि हे लालदासी तुम जाओ। कहां जाओ? छत्रसाल को संदेश देने के लिए। तो यहां से लालदासी निकले, रास्ते में जागनी के विषय में विचार करते 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 जब मऊ सहानिया की ओर आगे बढ़ते हैं, रास्ते में उत्तम दासी, जीवन दासी, सब गोविंद दासी सब साथ में है और धाम धनी के गुणगान भी गाते जाते हैं। रास्ते में क्या करते जाते हैं? धाम धनी के गुणगान भी गाते जाते हैं। और सुने महाराज ने भागवत के, और वहाँ जब मऊ सहानिया में पहुंचे, वहां जाके भागवत के वचन पर जो निष्कलंक बुद्ध स्वरूप, और जो जो निष्कलंक बुद्ध स्वरूप संबंधी जो जो धर्मशास्त्रों में साक्षी आए, बुद्ध गीता, बुद्ध स्तोत्र, महाश्वतंत्र, पुराण संहिता को लेकर, और यहाँ भागवत के माध्यम से चर्चा की अखंड व्रज रास को लेकर, और भगवान दपी रात्रि शरद फुल्ल मलिका विक्षरयंतु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रित, तो रास को लेकर भी, अखंड योग माया ब्रह्मांड को लेकर और व्रज को लेकर जब चर्चा रखी, किसके सामने? छत्रसाल जी के सामने लालदासी ने, तब छत्रसाल जी को ईमान आ गया। और आगे बताया कि महाराजा छत्रसाल जी ने देवकरण जी को भी निर्देश दे दिया कि जाओ तुम प्राणनाथ जी को यहां बुला के लाओ, क्योंकि मैं मजबूर हूं, विवश हूं, वहां नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि सैन्य ने पूरा, बादशाह के सैन्य ने पूरा घेर लिया है, मैं नहीं आ पाऊंगा, तो तुम जाओ। तो वहां से सीधा मऊ से चलकर देवकरण जी अगरिया पहुंचे, मऊ से चलकर देवकरण जी अगरिया पहुंचे और छत्रसाल जी की बात सुनकर श्री जी को मिलने के लिए देवकरण जी पूरे परिवार के साथ सुंदर साथ की सेवा भी करते हैं और लेने के लिए भी चलते हैं। चले अगरिया से परने पहुंचे आए, और उधर की ओर श्री जी भी समस्त 5000 सुंदर साथ की जमात को लेकर अगरिया से चलकर परना पहुंचते। बोलो श्री पद्मावती पुरी। और वहां जाके कहां ठहरते? नदी किलकिला तीर पे, नदी किलकिला तीर पे उतर परम मनसाए, तीन में सिरदार अक्षराती तो देख अपना ठोर सुख पाए। क्या बताया? कि तीन में सिरदार अक्षराती और देख अपना ठोर सुख पाए। वहां श्री जी सब सुंदर साथ सहित नदी किलकिला तीर पे आके वहां पड़ाव डाला ब्रह्म सृष्टियों की जमात ने, और आके निश्चित कर लिया कि जागनी का अंतिम झंडा जो गाड़ना था ने, वो स्थान यहां आ चुका है, बस उससे आगे अब जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मुख्य जो केंद्र पहले से मूल मिलावे से राज जी ने दिल में ले लिया था, तो ये स्थान आ गया। डेरा करत परनामी ने दौड़ देखत गोड़ लोग आए। जैसे ही नदी किनारे इन सुंदर साथ की जमात उतरी ठहरी, तब सामे वनवासी गोड़ लोग थे, वो जल्दी से दौड़कर आए कि अरे ये महात्मा लोग नदी के किनारे ठहरे हैं, शायद उसमें से जल लेकर कोई खाने पीने की व्यवस्था में या पीने में इस्तेमाल उपयोग करेंगे, तो ये तो विषैला है, ये लोग मर जाएंगे। तो आके जल्दी से आए, दौड़ के बोले कि तुम ये जल मत पीजियो, ये विषैला है। तो यहाँ धामधनी ने सब ने आए दर्शन करे, कही सुनो सब साध, या नदी को जल ना पीजियो या के पिए जाए प्राण व्याग। आके बोले ने, तो यहाँ एक देवी भागवत का प्रसंग वर्णित किया है कि एक बार
बैकुंठ के अंदर गंगा और लक्ष्मी जी के बीच में झगड़े हो गए। तब जब झगड़ रहे थे तब इसी समय महाविष्णु भगवान आए, उसने बोला कि तुम झगड़ो मत, क्योंकि कलयुग के अंतिम चरण में परब्रह्म इस संसार में आने वाले, दोनों की मुक्ति होगी। तो जब श्री जी हरिद्वार से पास हुए गंगा नदी के किनारे, तब गंगा की मुक्ति हो गई और जो पद्मावती के नाम से जो अभी किलकिला बह रही है वो लक्ष्मी जी के रूप में बह रही है। तो दोनों को तभी ये देवी भागवत का एक पुराण का वर्णित प्रसंग है। तो दोनों की मुक्ति के लिए विष्णु भगवान ने तभी समझाया और गोड़ लोगों ने बोला कि तुम ये पानी ना पीजियो। तब सब साथ ने मिलके धोया चरण अंगूठा राज। तब साक्षात ज्या अक्षरातीत हो फिर तो क्या फिकर क्या चिंता, सब सुंदर साथ ने मिलके श्री जी के दाहिने अंगूठे को धोया और ये जल चरणामृत नदी में ढारा। और जैसे कृष्ण समय मतलब द्वापर में जब ये कृष्ण लीला हुई उसी के समय भी जमुना जी का जल जो वैसिला था ये इसी की तरह आज भी ये जल पवित्र हो गया। तो सुंदरसा जी कहने का भाव स्वयं अक्षरातीत आए, वहाँ क्या बात की कमी रहती। तो सब ने चरणामृत सब ने जल पिया और नहाए स्नान आदि किए, भोजन प्रसाद भी तैयार होने लगे। फिर जी खबर महाराज को और वहां से श्री जी ने संदेश भिजवाया, कहा मऊ सहानिया में कि जाओ तुम छत्रसाल जी को बुला के लाओ। लेकिन यहाँ छत्रसाल जी ने तब चले आप पढ़ने से मऊ पहुंचाय, श्री बाई जी साफ स्वरूप दे छोड़ चले सब आए। लेकिन छत्रसाल जी ने क्या संदेश भिजवाया कि अरे मैं नहीं आ पाएगा क्योंकि तुम यहाँ आ जाओ, वहां युवा वर्ग को लेकर आ जाओ वहां से, लेकिन महिला वृद्ध और बच्चे को वहां छोड़ दो, युवा वर्ग को लेकर आप यहाँ आ जाइए। तो श्री जी यहाँ से युवा वर्ग को लेकर कहाँ गए, मऊ सहानिये में गए और वहां जाके हम दो चौपाई बोल ले, मऊ में तीदुनी दरवाजे डेरा किया वाही, राजा बेख बदल के दर्शन कियो ताही। मऊ में तीदुनी दरवाजे डेरा किया वाही, राजा बेख बदल के दर्शन कियो ताही, दर्शन कियो ताही, फिर दूजी बेर बेख बदल के कर शिकार को साज, साथ सबों के बीच में बैठे थे श्री राज, तहां जाए ठाडे भये तर मुड़की लाए, कैया बाबा जू राम राम बाबा बैठो इत आए, बाबा बैठो इत आए। बोलिए श्री प्राणनाथ, श्री सतगुरु धाम के पद्मावती पुरी महाराजा छत्रसाल की समस्त सुंदर प्रणाम। फेर दूजी बेर बेख बदल के कर शिकार को साज, साथ सबों के बीच में बैठे थे श्री राज, बैठे थे श्री राज। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे,